स्वघोषित झांसी की रानी कंगना रनौत ने जो बाइडेन को गजनी बाइडेन बताकर उनके एक साल भी न चल पाने की भविष्यवाणी कर दी। वहीं उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से मिले चार सबक शेयर किए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारत को भी एक बाइडेन की जरूरत है। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में भारतीयों ने काफी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अब जो बाइडेन होंगे, उनका भारत को लेकर क्या नजरिया है और उसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, शॉर्ट में जो बाइडेन, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जैसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोटों की संख्या का इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें 2008 में 6,94,98,516 वोट मिले थे। जो बाइडेन को अब तक 7,52,52,157 वोट मिल चुके हैं। हालांकि मतगणना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन जाएंगे। अभी वो 77 साल के हैं और आने वाले 20 तारीख को वो 78 साल के हो जाएंगे। इससे पहले रोनाल्ड रीगन जब अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे तब उनकी आयु 73 साल की थी, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के तौर पर याद किए जाते हैं। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में बीते 28 सालों से लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने जाने का रिकॉर्ड भी जो बाइडेन ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोई भी दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कई उम्मीदवार दूसरी बार भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने का ये सिलसिला 1992 से लगातार चला आ रहा था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिल क्लिंटन 1992 और 1996 में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद 2000 और 2004 में रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगातार दो बार राष्ट्रपति बने। इसके बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा 2008 और 2012 में राष्ट्रपति चुने गए। अब इसके बाद 2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन 2020 में उनके जीत के सपने को जो बाइडेन ने तोड़ दिया और इस तरह से लगातार राष्ट्रपति बनने का 28 साल का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं। अच्छे दोस्त इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों ही नेता एक दूसरे की मजबूत छवि का लाभ लेने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। चाहे वो 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में हुआ हाउडी मोदी का इवेंट हो या इसी साल 24 फरवरी को अहमदाबाद में हुआ केमछो ट्रंप समारोह। खैर, वापस आते हैं जो बाइडेन पर, तो आपको बता दें कि उन्हें शुरू से ही भारत का हिमायती समझा जाता रहा है। उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान बाइडेन 8 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और उस कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंधों की हमेशा ही वकालत की। भारत को लेकर उनकी सोच का अंदाजा आप महज इस बात से लगा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले साल 2006 में उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंधों पर अपना विजन क्लियर करते हुए कहा था कि मेरा सपना है कि 2020 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के दो सबसे करीबी देश हों। 2008 में जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर सीनेटर ओबामा हिचक रहे थे, तब बाइडेन ने ही अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को इस बात के लिए राजी किया था। बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूती देने की बात हमेशा से की है। उनके ही टेन्योर में अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को विस्तार देने और भारत को उसका स्थायी सदस्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से समर्थन किया था। ओबामा बाइडेन प्रशासन ने ही भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था, जिससे अमेरिका भारत को रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत और महत्वपूर्ण तकनीक को आसानी से साझा कर सकता है। आपको बता दें कि उस वक्त अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया था जब किसी देश को ये दर्जा दिया था। इसी साल उन्होंने कहा था कि अगर वो नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो वो H-1B वीजा पर लागू अस्थायी निलंबन को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल 85,000 नए H-1B वीजा जारी करता है, जिससे
बाहरी देशों के आईटी पेशेवर वहां काम कर सकते हैं। हर साल H-1B वीजा का 70% कोटा भारतीयों के खातों में ही आता है। अमेरिका के इमिग्रेशन विभाग की माने तो सितंबर 2019 में 5,83,420 लोग अमेरिका में H-1 वीजा पर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को भारतीय आईटी पेशेवरों को एक बड़ा झटका देते हुए H-1B वीजा और अन्य विदेशी कार्य वीजा को 2020 के अंत तक निलंबित कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहां नौकरी या स्थायी नागरिकता का सपना देख रहे भारतीयों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका में इस बात पर आम सहमति है कि चीन उनका एक स्ट्रेटेजिक राइवल बना है और ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में उभर रहा है। ट्रंप प्रशासन इस पर खुलकर बोलता रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाइडेन की सरकार इस पर उतनी मुखर ना हो। उनकी भाषा संयमित और संतुलित होगी, पर भारत उम्मीद करेगा कि बाइडेन प्रशासन कम से कम इस मामलों में ट्रंप प्रशासन की ही तरह व्यवहार करे। आपको बता दें कि बाइडेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो नियम आधारित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत के साथ काम करेगा, ताकि चीन अपने पड़ोसी देशों को धमकाने की स्थिति में ना आ पाए। ओबामा और बाइडेन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया था। बाइडेन के कैंपेन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी परंपरागत नजरिए को आगे बढ़ाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा, बाहर के बारे में उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं करने वाले। मानवाधिकार उल्लंघनों पर अमेरिका से सख्त बयान आने की उम्मीद है। पाकिस्तान पर नई अमेरिकी सरकार का रुख जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन गिलगित बलूचिस्तान को लेकर कड़े बयान आने लगभग तय माने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत के लिहाज से भी चिंता का मुद्दा यही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस और उनकी समोसा कॉकस ने भारत के अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगी इंटरनेट पाबंदियों, इसके साथ ही वहां हुई राजनीतिक गिरफ्तारियों की भी जमकर आलोचना की थी। इस बात से तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जब पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन गए थे तो उन्होंने समोसा कॉकस की प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था। समोसा कॉकस असल में भारतीय मूल के अमेरिकी जनप्रतिनिधियों के समूह को कहा जाता है। भारत में गैर सरकारी संगठनों को फंडिंग के संबंध में भारत के नए नियमों पर बाइडेन और हैरिस प्रशासन किस तरह प्रतिक्रिया देगा, ये भी एक चिंता का विषय है। नागरिकता कानून और असम में NRC लागू करना भी नई अमेरिकी सरकार की आंखों में किरकिरी बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चिंता के क्षेत्र तो हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मैनेज किए जा सकते हैं। अभी के लिए तो नया प्रशासन COVID-19 महामारी से निपटने समेत अन्य घरेलू मुद्दों को ठीक करने के लिए ही ध्यान देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम अवर चैनल।